नमो नमः नमस्कारम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः श्री गुरुभ्यो नमः। 2 अक्टूबर 2021 शनिवार की दिन आज एकादशी है। आज का पितृतर्पण का वीडियो बनाया है और पितृतर्पण में अपन को क्या क्या जरूरत है, काला तिल, अक्षत चावल और दर्भा। दर्भा से जो पवित्री बनता है, पवित्री और तर्पण के लिए दर्भा और चिल्लर खाइन तुलसी की पत्ता, एक लोटे में जल और आचमनि पात्र में जल और तांभाड़म जो प्लेट है परात जी से तर्पण जोड़ने के लिए, इतना ही सामग्री का जरूरत है। पूर्व दिशा की तरफ बैठना है, नीचे जमीन में नहीं बैठना है, एक आसन बिछा के बैठना है और ये तर्पण देखते जाइए। जैसी करते हैं वैसी आप लोग भी पितृमोक्ष अमावस्या का दिन भी इसी को उपयोग करके तर्पण कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ जरूर ध्यान रखें, आज एकादशी के हिसाब से संकल्प इसमें रिकॉर्डिंग है तो अमावस्या का संकल्प अलग है। प्रतिदिन जो पितृपक्ष में नित्य तर्पण होता है उस दिन का तिथिवार नक्षत्र अलग अलग होता है, तो उसको जाने बगैर आप एक ही तिथि को बोलते हुए तर्पण नहीं छोड़ना है और तर्पण करते हुए पितरों की याद करना है। जितने पितरों की नाम आपको पता है नाम लेकर जरूर तर्पण छोड़ें कि उसका फला अनेक है। जब पितरों की नाम लेके करते हैं सीधे वो तर्पण फला उस पितरों के पास पहुँचता है, उसकी आशीर्वाद सीधे अपने ऊपर अपने परिवार के ऊपर प्राप्त होता है। ये आज एकादशी के दिन तर्पण शुरू करता हूँ। ये सामने त्रिपाठी जी है, ये करेंगे, इनको देखते हुए आप लोग भी तर्पण करें। ये तांभाड़म रखा है, बाजू में तीर्थ पात्र है जलपात्रम और ये दर्भा सेट है और तिल और अक्षता है। आजम्याम ओम केशवाय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा, ओम श्री हरि गोविंदाय नमः। पुनरस्तम प्रक्षाल्या पवित्री धारणम धृत्वा, ये पवित्री कैसा बनाना है एक दिन आपको एक वीडियो और डालूंगा, उसको देख के आप पवित्री बना सकते हैं। 3 दर्भा का पवित्री बनता है पितृ कार्य में, 2 दर्भा का पवित्री बनता है शुभ देवता कार्य में, पितृ देवता कार्य में 3 दर्भा का पवित्री बनता है। पवित्रम धृत्वा वृद्ध्यास्मह वैर्णमसो वसद्या मित्रम देवम मित्र धेयन्नोस्तु अनुराधारे अभिषावृद्धयन्तः सधंजी देव सरथ सवीराः। पवित्रम धृत्वा 2 दर्भा चरण के नीचे आसन पे डालना है। दर्भेश्वासीनः हस्तं प्रक्षाल्या अधुना है दर्भां धारयमानः, ये दर्भा पवित्री के साथ पकड़ के रखना है इसे। दर्भां धारयमानः, कहीं मान के चलिए किसी के पास दर्भा नहीं है कोई बाधा नहीं, बगैर दर्भा का भी तर्पण होता है। कई जगह तिल नहीं है तिल की बगैर भी तर्पण होता है, जलोदक तर्पणम कहते हैं उसको। तर्पण करना अपना श्रद्धा भाव से अपने पितरों को याद करना है कि कोई द्रव्य नहीं है, इसकी वजह से तर्पण को रोकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए तर्पण। और सामग्री यदि आप मंगवा सकते हैं दर्भा तिल अक्षता, यही तर्पण का सामग्री होते हैं। अक्षतां गृहीत्वा आदमी 2 अक्षत रखे, 1 बूंद जल डाल दीजिए, अभी संकल्प प्रारंभ हो रहा है। ओम 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 अपवित्राः पवित्रो वा सर्वावस्थां कथोभिवा यस्मरेत पुण्डरीकाक्षं सभाह्या अभ्यंतरः शुचिः मानसं वाचिकं पापं कर्मणाः समुपार्जितं श्रीराम स्मरणेनैव यपोहति न संशयः श्रीराम राम 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 तथर्विष्णु तथावारः नक्षत्रम विष्णुरेव च लोकश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत् श्रीगोविन्द गोविन्द 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 अद्य श्री भगवतः महा पुरुषस्य
विष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्धे श्वेतवराः कल्पे वैवस्वतः मन्वन्तरे अष्टाविगुम् शतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतकण्ठे मेरुः मध्ये मध्यप्रदेशे नर्मदा क्षेत्रे अस्मिन्ने वर्तमाने व्यावहारिक प्रभवादीनां षष्ट्याः संवत्सराणां मध्ये स्वस्तिश्री राक्षसनामे संवत्सरे सौरमाने लवणाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्षऋतौ कन्यामासे कृष्णपक्षे एकादश्याम् पुण्यतिथौ वासरः वासरोस्तु स्थिरवासरे युक्तायाम् आश्लेषाम् नक्षत्रे युक्तायाम् विष्णुयोगे विष्णुकरणे एवं गुणे सकलविते विशेषेण वसिष्ठायाम् अस्याम् वर्तमानायाम् तैष्याम् एकादश्याम् पुण्यतिथौ अपसव्यम् प्राचीना वीति जनो विपरीत पढ़ना है प्राचीना वीति वत्स गोत्राणाम् श्री नारायण त्रिपाठी शर्मणः काशी प्रसाद शर्मणः बहुधूर सिंह शर्मणः वंश गोपाल शर्मणः ममे पितृ पितामह प्रपितामहानाम् पितुः प्रपितामहानाम् अक्षय्य तृप्त्यर्थम् वत्स गोत्राः इदानी देवीधाः ममे पितामही पितुः प्रपितामहीनाम् अक्षय्य तृप्त्यर्थम् वत्स गोत्राणाम् राजाराम शर्मणः मम ज्येष्ठ पितामहानाम् अक्षय्य तृप्त्यर्थम् तत्पत्नीनाम् चतुराणि देवी धाः अक्षय्य तृप्त्यर्थम् वत्सगोत्राणाम् रामावतार शर्मणः ज्येष्ठपितॄणाम् अक्षय्य तृप्त्यर्थम् तत्पत्नीनाम् विशुन्देवी धाः अक्षय्य तृप्त्यर्थम् वत्सगोत्राणाम् शिवराम शर्मणः कनिष्ठपितॄणाम् अक्षय्य तृप्त्यर्थम् वत्सगोत्राणे मणिराम शर्मणः ज्येष्ठ पितामहानाम् अक्षय्य तृप्त्यर्थम् तत्पत्नीनाम् रामभेटी नाम्याः अक्षय्य तृप्त्यर्थम् वसिष्ठ गोत्राणाम् राजनारायण पाठक शर्मणः मम मातामहानाम् अक्षय्य तृप्त्यर्थम् जगन्नाथ पाठक शर्मणः मातुः पितामहानाम् मातुः प्रपितामहानाम् अक्षय्य तृप्त्यर्थम् वसिष्ठगोत्राः रामकली देवी धाः मातामहीनाम् मातुः पितामहीनाम् मातुः प्रपितामहीनाम् अक्षय्य तृप्त्यर्थम् वसिष्ठगोत्राणे रमेशचन्द्र शर्मणः माधुराणाम् अक्षय्य तृप्त्यर्थम् लखनलाल शर्मणः माधुलानाम् अक्षय्य तृप्त्यर्थम् काश्यपगोत्राणाम् उमेशचन्द्र दुबे शर्मणः मम ससुराणाम् अक्षय्य तृप्त्यर्थम् ब्रह्मशंकर शर्मणः तत्पितामहानाम् अक्षय्य तृप्त्यर्थम्
भैजयन्ती भैजयन्ती धाः धाः तत्पत्नीनां तत्पत्नीनां अक्षय्य अक्षय्य तृप्त्यर्थं तृप्त्यर्थं तत् तद्गोत्राणां तद्गोत्राणां तत्तदे तत्तद् शर्माणां शर्माणां वसु 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 सम्यकानां सम्यकानां पितृव्य पितृव्य माधुलाधीनां माधुलाधीनां अवशिष्टानां अवशिष्टानां सर्वेषां सर्वेषां कारुणीक कारुणीक पितॄणां पितॄणां अक्षय्य अक्षय्य तृप्त्यर्थं तृप्त्यर्थं कन्यागते कन्यागते सवितरी सवितरी आषाढ्याति आषाढ्याति पञ्चमापरे पञ्चमापरे पक्षे पक्षे काले पुण्यकाले दर्श दर्श श्रार्धं श्रार्धं तिलतर्पण तिलतर्पण रूपेण रूपेण अध्यकरिष्ये अध्यकरिष्ये दर्भान् नरस्याम आदमे पकड़े हुए दर्भाक्षत ताली में छोड़ना है और तिल और अक्षत मिला के पास में रखना है। पितरों की आवाहन करने वाले हैं, पितरों को याद करते हुए आयातु पितरः आयातु पितरः सोम्या सोम्या गंभीरै गंभीरै पदिभिः पदिभिः पूर्वैः पूर्वैः प्रजां प्रजां अस्मभ्यं अस्मभ्यं ततथो ततथो रयञ्च दीर्घायुत्वञ्च दीर्घायुत्वञ्च सतसारयञ्च सतसारयञ्च अस्मिन् कूर्चे अस्मिन् कूर्चे वर्गद्वये वर्गद्वये कुल कुल सकलपित्रेण सकलपित्रेण आवाहयामि आवाहयामि वर्गद्वये वर्गद्वये सकलपित्रेणां सकलपित्रेणां इतम् इतम् आसनम् आसनम् तिलाधि तिलाधि तिलो रक्षत छोड़ना है। सकलाराधनै सकलाराधनै सुवर्चितम सुवर्चितम अभी दर्पण प्रारंभ हो रहा है। तिल अक्षत जलम वत्स गोत्राणे वत्स गोत्राणे श्री नारायण त्रिपाठी शर्मणः श्री नारायण त्रिपाठी शर्मणः वसु रूपाणे वसु रूपाणे अस्मत् पितृणे अस्मत् पितृणे सुधा नमस्तर्पयामि नमस्तर्पयामि वत्स गोत्राणे वसु गोत्राणे श्री नारायण त्रिपाठी शर्मणः श्री नारायण त्रिपाठी शर्मणः वसु रूपाणे वसु रूपाणे अस्मत् पितृणे अस्मत् पितृणे सुधा नमस्तर्पयामि नमस्तर्पयामि वत्स गोत्राणे वत्स गोत्राणे श्री नारायण त्रिपाठी शर्मणः श्री नारायण त्रिपाठी शर्मणः वसु रूपाणे वसु रूपाणे अस्मत् पितृणे अस्मत् पितृणे सुधा नमस्तर्पयामि वत्स गोत्राणे काशी प्रसाद शर्मणः काशी प्रसाद शर्मणः रुद्र रूपाणे पितृ रूपाणे रुद्र रूपाणे रुद्र रूपाणे ममे मम पितामहाने पितामहाने सुधा नमस्तर्पयामि नमस्तर्पयामि वत्स गोत्राणे काशी प्रसाद शर्मणः काशी प्रसाद शर्मणः रुद्र रूपाणे रुद्र रूपाणे पितामहाने पितामहाने सुधा नमस्तर्पयामि नमस्तर्पयामि वत्स गोत्राणे वत्स गोत्राणे बहदुर सिंह शर्मणः आदित्य रूपाणे आदित्य रूपाणे प्रपितामहाने पितामहाने सुधा नमस्तर्पयामि नमस्तर्पयामि वत्स गोत्राणे वत्स गोत्राणे बहदुर सिंह शर्मणः आदित्य रूपाणे प्रपितामहाने प्रपितामहाने सुधा नमस्तर्पयामि नमस्तर्पयामि वत्स गोत्राणे वत्स गोत्राणे वंश गोपाल शर्मणः आदित्य रूपाणे पितुः प्रपितामहान् पितुः प्रताम प्रपितामहान् सुधा नमस्तर्पयामि वत्स गोत्राणे वंश गोपाल शर्मणः आदित्य रूपाणे पितुः प्रपितामहान् सुधा नमस्तर्पयामि वत्स गोत्राः पितानि देवीधाः वसु रूपाः ममे मम पितामही पितामही सुधा नमस्तर्पयामि नमस्तर्पयामि पितामही पितामही सुधा नमस्तर्पयामि नमस्तर्पयामि पितामही पितामही सुधा नमस्तर्पयामि नमस्तर्पयामि वत्स गोत्राणे वत्स गोत्राणे राजाराम शर्मणः राजाराम शर्मणः ममे मम ज्येष्ठ पितामहान् ज्येष्ठ पितामहान् सुधा नमस्तर्पयामि नमस्तर्पयामि ज्येष्ठ पितामहान् ज्येष्ठ पितामहान् सुधा नमस्तर्पयामि नमस्तर्पयामि ज्येष्ठ पितामहान् ज्येष्ठ पितामहान् सुधा नमस्तर्पयामि नमस्तर्पयामि तत्पत्नी तत्पत्नी चतुराणि देवी चतुराणि देवी धाः धाः सुधा नमस्तर्पयामि नमस्तर्पयामि तत्पत्नी तत्पत्नी सुधा नमस्तर्पयामि नमस्तर्पयामि तत्पत्नी तत्पत्नी सुधा नमस्तर्पयामि नमस्तर्पयामि वत्स गोत्राणे वत्स गोत्राणे राम अवतार शर्मणः राम अवतार शर्मणः ज्येष्ठ पितृन् ज्येष्ठ पितृन् सुधा नमस्तर्पयामि नमस्तर्पयामि ज्येष्ठ पितृन् सुधा नमस्तर्पयामि सुधा नमस्तर्पयामि ज्येष्ठ पितृन् सुधा नमस्तर्पयामि तत्पत्नी विशुं देवी विशुं देवी धाः तत्पत्नी तत्पत्नी सुधा नमस्तर्पयामि तत्पत्नी सुधा नमस्तर्पयामि तत्पत्नी सुधा नमस्तर्पयामि वत्स गोत्राणे वत्स गोत्राणे शिवराम शर्मणः शिवराम शर्मणः कनिष्ठ पितृन् कनिष्ठ पितृन् सुधा नमस्तर्पयामि नमस्तर्पयामि कनिष्ठ पितृन् सुधा नमस्तर्पयामि सुधा नमस्तर्पयामि कनिष्ठ पितृन् सुधा नमस्तर्पयामि वत्स गोत्राणे वत्स गोत्राणे मणिराम शर्मणः कनिष्ठ पितामहः मणिराम शर्मणः मणिराम शर्मणः कनिष्ठ पितामहः
कनिष्ठ पितामहान सुधा नमस्तर्पयामि कनिष्ठ पितामहान सुधा नमस्तर्पयामि कनिष्ठ पितामहान कनिष्ठ पितामहान सुधा नमस्तर्पयामि तत्पत्नी राम भेटी वशिष्ठ गोत्रान राम नारायण पाठक शर्मण राज नारायण पाठक शर्मण मम माता महान सुधा नमस्तर्पयामि माता महान सुधा नमस्तर्पयामि माता महान सुधा नमस्तर्पयामि तत्पत्नी रामकली देवी दाह सुधा नमस्तर्पयामि तत्पत्नी सुधा नमस्तर्पयामि तत्पत्नी सुधा नमस्तर्पयामि वशिष्ठ गोत्राणां जगन्नाथ पाठक शर्मणः मम मातुः पितामहान सुधा नमस्तर्पयामि मातुः पितामहान सुधा नमस्तर्पयामि मातुः पितामहान सुधा नमस्तर्पयामि वशिष्ठ गोत्राणां मातुः प्रपितामहान सुधा नमस्तर्पयामि मातुः प्रपितामहान सुधा नमस्तर्पयामि मातुः प्रपितामहान सुधा नमस्तर्पयामि वशिष्ठ गोत्राणे रमेश चंद्र शर्मणः मम माधुलं सुधा नमस्तर्पयामि माधुलं सुधा नमस्तर्पयामि वशिष्ठ गोत्राणां लखनलाल शर्मणः मम माधुलं सुधा नमस्तर्पयामि माधुलं सुधा नमस्तर्पयामि माधुलं सुधा नमस्तर्पयामि काश्यप गोत्राणां रमेश चंद्र दुबे शर्मणः मम सुश्राणे सुधा नमस्तर्पयामि सुश्राणे सुधा नमस्तर्पयामि सुश्राणे सुधा नमस्तर्पयामि काश्यप गोत्राणां ब्रह्मशंकर शर्मणः तत्पितरेण सुधा नमस्तर्पयामि तत्पितरेण सुधा नमस्तर्पयामि तत्पितरेण सुधा नमस्तर्पयामि काश्यप गोत्राणां भैजयन्ती दाह तत्पत्नी सुधा नमस्तर्पयामि तत्पत्नी सुधा नमस्तर्पयामि तत्पत्नी सुधा नमस्तर्पयामि ज्ञात है अज्ञात है वर्गद्वय है कुल है सकल पितृणे सुधा नमस्तर्पयामि ज्ञात है अज्ञात है वर्गद्वय है कुल है सकल पितृणे सुधा नमस्तर्पयामि ज्ञात है अज्ञात है वर्गद्वय है कुल है सकल पितृणे सुधा नमस्तर्पयामि तत्तद्गोत्राणां तत्तद्गोत्राणां तत्तदे तत्तद् शर्माणां शर्माणां वसुवसु वसुवसु स्वरूपाणां स्वरूपाणां अवशिष्टानां अवशिष्टानां सर्वेषां सर्वेषां कारुणीके कारुणीक पितृणे पितृणे सुधा नमस्तर्पयामि नमस्तर्पयामि कारुणीक पितृणे कारुणीक पितृणे सुधा नमस्तर्पयामि नमस्तर्पयामि कारुणीक पितृणे कारुणीक पितृणे सुधा नमस्तर्पयामि नमस्तर्पयामि ऊर्जं ऊर्जं वहन्ति वहन्ति अमृतं अमृतं घृतं पयः घृतं पयः कीलालं कीलालं परिश्रुतं परिश्रुतं सुधास्ते सुधास्ते तर्पयतु मे तर्पयतु मे कारुणीक कारुणीक सकल पितृण सकल पितृण तृप्यता 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 उपवीते जनो सही पहनना है आत्म प्रदक्षिणा नमस्कार देवताभ्यः देवताभ्यः पितृभ्यश्च महा योगिभ्यः एव च नमस्वधायै नमस्वधायै स्वाहायै स्वाहायै नित्यमेव नित्यमेव नमो नमः अभिवादये नमस्कारः पितृदेवताभ्यो नमः पुनः प्राचीना वीति जनो विपरीत पहनना है तिलाक्षतम गृहीत्वा अभी पितरों की आज्ञा देना है ये यथास्थानम उत्तिष्ठ है उत्तिष्ठ पितराः सौम्या सौम्या गंभीरैः पदवीः पदवीः पूर्वैः पूर्वैः प्रजाम् अस्मभ्यं अस्मभ्यं ततथोरयञ्च ततथोरयञ्च दीर्घायुत्वञ्च दीर्घायुत्वञ्च सतसारयञ्च सतसारयञ्च अस्मात् अस्मात् ऊर्जात् ऊर्जात् वर्गद्वय वर्गद्वय सकलपित्रेण सकलपित्रेण यथास्थानं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि प्रतिष्ठापयामि ऊर्जं विसृज्येत
कूच का विसर्जन करना, ये दर्भा जो ग्रंथ किया हुआ है, बंधा हुआ है, उसको खोलना है। दर्भ ग्रंथिम विसृस्याम, सभी दर्भा हाथ में रखना है, तिलाक्षतां गृहीत्वा येषां नमाता नपिता नभन्तुः नबन्धुः नान्य गोत्रणः ते सर्वे तृप्तिमायान्तो मयोस्तृष्टै कुशोदघै कुशोदघै त्रप्याता त्रप्याता त्रप्याता। दर्भा सब प्लेट में छोड़ना है। उपवीते जिनो सही पहनना है, हाथ में जो पवित्री है उसको खोल के डालना है। जब पवित्री पहनते हैं तब पूजा प्रारंभ, जब खोल देते हैं पूजा समाप्त, समापन में खोल देते हैं। आजम्याम केशवाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, माधवाय स्वाहा, श्री हरि गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः। विष्णु दर्पणम्, विष्णु अर्पणम्। कायेन वाचा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनाभा बुद्ध्यात्मनाभा प्रहते प्रकतै सुभावात सुभावात करोमि यद्यत् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै सकलं परस्मै सर्वं सर्वं श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि। ओम तत्सत् ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणम् ब्रह्मार्पणम् अस्तु हरिहि ओम हरिहि ओम। तर्पण पूर्तिरस्तु, तर्पण पूर्ति हो गया। आचार्य दक्षिणा का एक काम है कि तर्पण जल विसर्जन करने के बाद जो क्या तर्पण किया उसका फला तब प्राप्त होता है। आचार्य दक्षिणा पंडित जी को जो दक्षिणा आप देना चाहते हैं वो दक्षिणा एक की सिक्का ऊपर से लगा के जल अर्पण करके उसका मंत्र विधान है, अभी मैं बताता हूँ। तर्पण जल विसर्जन करने गए हैं आते ही, अभी आचार्य दक्षिणा। हिरण्यगर्भम् गर्भस्थम् हेमबीजम् विभावसोः अनन्तः पुण्यफलदम् अतश्शान्तिम् प्रयच्छमे मया कृतमितम् महालय पुण्यकाल दर्शश्रार्थ नित्यतर्पण कर्तृभ्यः बृहस्पतिभ्यः पितृदेवतानुग्रह प्रसाद फल सिद्धिरस्तु तथास्तु। स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिम महिषाः गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तो। आयुष्मान भव सौम्या, अनेक पितृदेवतानाम अनेक आशीर्वाद फला प्राप्तिरस्तो क्षेमाभिवृद्धिरस्तो हरिः ओम।